फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, नेशनलिज्म इंडिया पर। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जिसे हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, ये आंदोलन किस लिए किया गया था और क्यों किया गया था, इसको आज हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पर हम गौर करेंगे और उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। फ्रेंड्स, अपनी नोटबुक्स और अपनी टेक्स्ट बुक्स को अपने साथ रखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर। फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस वीडियोस में मैं ये बता चुकी हूँ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले इंडिया की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी। वो कंडीशन बिल्कुल अनस्टेबल थी। फ्रेंड्स, गांधी जी को ये पता था कि अगर इंडिपेंडेंस चाहिए, लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी लोगों को यूनाइट किया जाए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सभी लोगों को यूनाइट किया जाए। इसके बाद ही जब सब लोग साथ में आएंगे तभी कहीं जाकर लोगों को इंडिपेंडेंस मिल सकती है। गांधी जी को इसका एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाई दिया, नमक। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, सॉल्ट। फ्रेंड्स, सॉल्ट उस टाइम एक ऐसी चीज़ थी जिस पर अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा रखा था। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जो हर घर की ज़रूरत थी, जो भोजन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा था। हर किसी को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, हर किसी को उसके खाने में नमक की ज़रूरत होती है। नमक के बिना तो खाने में स्वाद ही नहीं होता। बट फ्रेंड्स, उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने अब सिर्फ एक अधिकार कर रखा था कि वही लोग नमक बना सकते हैं। नमक के ऊपर सिर्फ उनका राइट है, इंडियंस का राइट नहीं है। अगर इंडियंस को नमक चाहिए तो वो उस पर पहले टैक्स देंगे। इस तरीके का उन लोगों ने कानून बनाया हुआ था। और फ्रेंड्स, गांधी जी जानते थे कि ये सबसे ज़्यादा ऑप्रेसिव लॉ है, सबसे ज़्यादा घृणित कानून। गांधी जी ने नमक कानून को कहा, इस कानून को तोड़ना चाहते थे गांधी जी। और इसी के लिए फ्रेंड्स हुआ था हमारा सॉल्ट मार्च। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें प्री प्लान थी। गांधी जी ने इसके लिए पहले से इजाज़त भी मांगी थी। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी। उसमें से कुछ जो डिमांड्स थी वो जनरल इंटरेस्ट थी, कॉमन डिमांड्स थी, लेकिन कुछ डिमांड ऐसी थी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए थी, कुछ डिमांड ऐसी थी जो पीजेंट्स को ध्यान में रख के थी। गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग यूनाइट आएंगे तभी काम बनेगा, तो उन्होंने सभी को ध्यान में रखकर सभी के हिसाब से डिमांड्स लिखी। और उसमें एक डिमांड थी, सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करना। लेकिन फ्रेंड्स, जो इरविन थे, वायसराय इरविन थे, वो झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। गांधी जी ने उन्हें एक लास्ट अल्टीमेटम दिया कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी सभी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें जो करना है वो करेंगे, वो सॉल्ट मार्च करेंगे, सॉल्ट कानून भी तोड़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 12 मार्च 1930 का वो दिन जिसे हम कभी नहीं भूल सकते, उस दिन स्टार्ट हुआ हमारा दांडी मार्च, सॉल्ट मार्च। गांधी जी ने अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट की थी फ्रेंड्स ये यात्रा, अपने साबरमती आश्रम से। और गुजरात का कोस्टल टाउन है फ्रेंड्स दांडी, वहाँ तक की ये यात्रा थी 240 माइल्स की। गांधी जी 24 दिन तक लगातार चले, 10 माइल्स वो रोज़ चलते थे फ्रेंड्स, और 6 अप्रैल को वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुँच गए दांडी। जब वो दांडी पहुँचे तो रास्ते में कई लोग उनको सुनने के लिए आते थे। गांधी जी ने काफ़ी सारी क्राउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। गांधी जी जगह जगह पर सभाएं करते थे, लोगों को संबोधित करते थे,
लोग उन्हें सुनने आते थे। गांधी जी चलते गए और उनके साथ लोग बढ़ते गए। गांधी जी 6 अप्रैल को जब दांडी पहुंचे तो वहां पर गांधी जी ने समुद्र के पानी को उबालकर, समुद्र का पानी लिया और उस पानी को उबालकर उन्होंने नमक बनाया और नमक बनाकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के उस लॉ को फ्रेंड्स तोड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, फ्रेंड्स इन दोनों में डिफरेंस है, इसके डिफरेंस पर भी हम बात करेंगे। बट इससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में हमारा जानना ज़रूरी है वो भी हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, सॉल्ट बनाया, दूसरी तरफ काफ़ी सारी जगहों पर और भी लोगों ने इस कानून को तोड़ना शुरू कर दिया और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो है सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू वो महिला थी जिन्होंने आगे आकर इस कानून को तोड़ा, क्योंकि घर में जो काम करती हैं, जो गृहणियाँ हैं, जो खाना बनाती हैं, वो नमक की कीमत जानती थी, इसलिए वो भी घर से बाहर निकली और उन्होंने भी नमक कानून को तोड़ा। धीरे धीरे करके फ्रेंड्स सभी लोग आगे आने लगे। लोगों ने, जब गांधी जी ने इस कानून को तोड़ा तो लोगों ने विदेशी सामान का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, लोग बहिष्कार करने लगे, कपड़ों के बोन फायर्स जलने लगे। फ्रेंड्स लोग जितने भी विदेशी कपड़े थे उनको आग में डालते जा रहे थे और उन कपड़ों को जला रहे थे। इसी तरीके से जो वाइन शॉप्स थी उनकी पिकेटिंग की जा रही थी। ब्रिटिशर्स के हर तरीके से ब्रिटिशर्स को ब्लॉक किया जा रहा था। गांधी जी का ये आंदोलन उनके पहले असहयोग आंदोलन से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि ये आंदोलन हमारा असहयोग आंदोलन से किस तरीके से डिफरेंट था। डिफरेंट था फ्रेंड्स, डिफरेंट ये ऐसे था, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि आप गवर्नमेंट को कॉपरेट ना करें। गवर्नमेंट के साथ जो हम कॉपरेशन करते हैं उसी से तो वो गवर्नमेंट चल रही है। गांधी जी ने मना कर दिया कि आप कॉपरेट ही मत कीजिए तो गवर्नमेंट काम ही नहीं कर पाएगी। बट फ्रेंड्स वहाँ पर वो आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो वायलेंट हो गया था। बट फ्रेंड्स इस आंदोलन में ये था कि जो ब्रिटिशर्स के लॉ थे उनको ही तोड़ दिया जाए। ब्रिटिशर्स की जो जितने भी गलत कानून थे उन सबको तोड़ना शुरू किया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये था। फ्रेंड्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने देखा कि ये जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये मूवमेंट बहुत बड़ा रूप ले चुका है, इससे उनकी गवर्नमेंट को खतरा है, तो उन लोगों ने इसे दबाने का प्रोसीजर शुरू किया। उन्होंने कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनको गिरफ्तार करना शुरू किया। गांधी जी के साथ जो अब्दुल गफ्फार खान थे उनके वॉलंटियर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया 1930 में, और इसके विरोध में लोगों ने बाहर आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सब जगह पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। इसके कुछ टाइम बाद ही मई 1930 में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को अरेस्ट किया गया फ्रेंड्स उसके एक साल बाद, यानी कि 1931 में गांधी जी को छोड़ दिया गया, गांधी जी को जेल से रिलीज किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स इरविन ने गांधी जी को मिलने बुलाया और 1931 में फ्रेंड्स गांधी इरविन पैक्ट हुआ। शायद आपने इस पैक्ट के बारे में सुना हो। इसमें फ्रेंड्स गांधी जी को कन्विंस किया इरविन ने कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कीजिए इंडिया के फ्यूचर के लिए, वहाँ पर सब चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, बट आप इस कॉन्फ्रेंस को लंदन में अटेंड कीजिए। गांधी जी माने, लेकिन इसके बदले में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था उनको छोड़ने की शर्त रखी गई। वायसराय इरविन ने इस शर्त को माना और सारे पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दिया गया। इसमें और भी कई शर्तें थी जिनको माना गया और गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन के लिए चले गए, लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसे अटेंड करने के लिए। बट फ्रेंड्स वहाँ से गांधी जी को डिसअपॉइंट होकर लौटना पड़ा। इसके कुछ अलग रीजंस थे कि वहाँ पर क्या हुआ, कभी और मौका मिलेगा तो मैं आपको उसकी पूरी कंडीशन बताऊंगी कि गांधी जी को वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ी और वहाँ से वो डिसअपॉइंट होकर क्यों लौटे, इस पर हम कभी और डिस्कशन करेंगे। बट अभी हमारा जानना ये ज़रूरी है कि गांधी जी वहाँ से डिसअपॉइंट होकर लौटे।
जब वो लौटे तो गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो नई तरीके से लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है। जो कांग्रेस के मेन लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह, वो अभी तक जेल में थे। तो गांधी जी ने 1932 में अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर दिया। मैंने जैसे फ्रेंड्स आप सभी को बताया था कि ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बिल्कुल अलग था, एक रीज़न मैं आपको बता चुकी थी। दूसरा रीज़न फ्रेंड इसका ये भी है कि ये ऐसा मूवमेंट था जिसमें हर क्लास के पीपल ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो फीमेल्स हो, हर तरीके के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब किसने किस किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, क्या क्या मोटिव थे सबके, किस चीज़ को ध्यान में रखकर लोगों ने उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। लेकिन इस टॉपिक पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये था हमारा आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर। हिस्ट्री में फ्रेंड्स सभी की ये शिकायत रहती है कि डेट्स याद नहीं रहती। मैं आप सभी को ये तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, जहाँ पर भी आपका जो भी स्टडी रूम है, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर फ्रेंड्स आप छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लीजिए और उन स्टिकी नोट्स के ऊपर डेट्स लिख दीजिए और इन डेट्स को अपने सामने आप जहाँ सबसे ज़्यादा बैठते हैं वहाँ पर स्टिक कर दीजिए। तो आप जब भी वहाँ से गुजरेंगे आपको वो डेट्स दिखाई देंगी और जब चीज़ आप बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगी। और इस वीडियो को आप 2-3 बार फ्रेंड्स लगातार देखेंगे तो आपको उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं बहुत ध्यान से, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं एज़ कंपैरिजन जब हम उन्हें रीड करते हैं। रीड करते टाइम हम शायद चीज़ें भूल जाएं, लेकिन जो चीज़ हमारी सुनी हुई होती है, आँखों देखी होती है, हम उन्हें कभी नहीं भूलते। इसीलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार लगातार देखिए, आपको सारी डेट्स एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। सो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।